प्याज के भाव में उछाल आने की बात व्यापारी भी कर रहे हैं और कई लोग कर रहे हैं। ऐसे में जो है व्हाइट प्याज का, जो सफेद प्याज है, उसका एक्सपोर्ट भी जो सरकार ने निर्यात जो है शुरू किया है। हालांकि अभी नासिक और जो लाल प्याज है मालवा में होते हैं, उसका कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट चालू हो सकता है, लेकिन ये भविष्य की बात है क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में क्या कुछ निर्णय आते हैं वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में जो है कुछ किसान लोग हैं जो मंडसौर मंडी के अंदर प्याज लेके आए हैं। समझते हैं कि क्या भाव उनका प्याज बिका है और उनकी क्या उम्मीद है प्याज को लेकर। आप क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपा। कहाँ से आए? बड़ा गांव से। प्याज लेके आए? क्या कितना लेके आए थे और क्या भाव बिका? लाया करीब 18 क्विंटल। अच्छा, क्या 251 रुपए बिका मेरा प्याज? 251 दो मुँह वाला प्याज था। अच्छा, तो क्या कारण था? वेराइटी कम थी या खराब थी? तो क्या लगता है आपको ठीक भाव मिला है सर? जी, कम भाव मिला के। क्या क्या कीमत हो, क्या लागत मिली आपको या नहीं मिली? लागत मिली कहाँ निकली? 150-200 रुपए तो बढ़ा लेता है वो, बढ़ा होता है आने का। तो व्यापारी तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो प्याज है उसका जो है अच्छा उछाल आने वाला है। ऐसे अच्छी बात है, तो अब की बार उपज भी कम निकला प्याज का। उपज कर रहे हैं? हाँ, उपज कर रहे हैं, उपज कर रहे हैं। चलिए कुछ और, आप कहाँ से आए? मैं सुखेड़ा से आया। सुखेड़ा से आप प्याज लेके आए? आपका क्या बिका प्याज? ये मेरा बिका है अभी 1180 और हाँ, और एक 30 क्विंटल करीब प्याज लाया मैं। फिर भी जो प्याज बिकना चाहिए वो प्याज नहीं बिका। क्या क्या लागत बैठती है और क्या भाव किसानों को मिलना चाहिए? एक अनुमानित लागत एक बीघे की 80 से 90 हज़ार। 90 हज़ार रुपये। और कितना प्याज उसमें से निकलता है? अभी तो उत्पादन भी कम आया है, अभी लगभग 70 क्विंटल के आसपास हुआ है। एक क्विंटल की क्या लागत बैठी आप लोगों? 70 बोल रहा ना, एक बीघे में 70 क्विंटल मान लीजिए, और अभी बिका मेरा 1100 से, तो मतलब बराबर भी नहीं है। अभी यहाँ जो लाया ना प्याज, अभी वो पैसा नहीं मिला मेरे को लाने ले जाने के भाड़ा, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, लागत भी नहीं मिल पा रही है। लगभग 20 रुपए प्याज बिकना चाहिए, 20 रुपए प्याज बिकना चाहिए। तो किसान कहना है कि कम से कम प्याज कीमत 20 रुपए तो होना ही चाहिए, 20 से 25 रुपए, तब जाके उनकी लागत निकलेगी। आप कहना कह रहे थे कि जो आपका अब 2 रुपए बिका, 2.5 रुपए बिका है, तो ऐसे में अब आपकी कंडीशन क्या है? आपको तो काफी घाटा हुआ होगा। काफी घाटा हुआ ना, मैं ये बोल रहा 20 से 25 रुपए प्याज बिकना चाहिए, किसान को मुनाफा मिल सकता है। अच्छा, उसमें किसान थोड़ा संतुष्ट हो सकता है? संतुष्ट हो सकता है। बाजार में जो प्याज हम आपका हम लेके आते हैं कि वो तो 40-50 रुपए किलो बिकता है। वो तो बिकता है, तभी भी अभी कहाँ बिक रहा है? अभी तो लागत भी निकल रही है, लागत भी निकल रही है। तो किसानों का कहना है कि जो प्याज है उनकी लागत नहीं निकल पा रही है, कम से कम प्याज की कीमत जो है, ये मान लें MSP जो जिसका मुद्दा हमेशा उठता आया है, कम से कम वो 20-25 रुपए होना चाहिए, लेकिन MSP तो खैर लागू नहीं हो पाया, लेकिन प्याज जो है किसानों को इस बार रुला रहे हैं। मार्केट टाइम्स के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।